फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बाइंडिंग करने वाले हैं प्लास्टिक वाले कूलर की मोटर की एल्युमिनियम डेटा के साथ। तो एल्युमिनियम का कौन सा डेटा पड़ेगा इस वीडियो में आप देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स ये हमारे पास प्लास्टिक वाले कूलर की 24 स्लॉट की मोटर, इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो कोर की लेंथ है 1 इंच 1 सूत यानी कि 28 mm, और अगर हम कोर की डाई की बात करें तो डाया है 2.5 इंच यानी कि 62 mm, और इसकी हम लच्छी की लेंथ रखेंगे 11 इंच। अगर हम इसको सर्कल में नापेंगे तो 22 इंच हो जाएगी। तो फटाफट से हम इसकी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसकी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल्स चारों बना ली है तार को बिना कट करे ही, और इसके अंदर जो हमने टंस डाली है 180 टंस डाली है 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से, और यहाँ पर हमने जो इसकी लीड बनाई है इसको हमने डबल कर लिया है ताकि जब हम कनेक्शन करें तो लीड जो है थोड़ी सॉलिड हो जाए। तो कॉइल को हम बाहर को निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमने कॉइल को बाहर निकाल लिया है। चारों ही कॉइलें हमने तार को बिना कट करे बनाई है। तो सबसे पहले हम पहली कॉइल उठाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तार जो है वो हमने लीड डबल कर ली है, और पहला सिरा हम लीड वाला सिरा अपनी साइड रखेंगे और इसको हम किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे पहले सिरे को। लेकिन कोशिश ये करेंगे ये जो सुराख है इस सुराख से एक स्लॉट छोड़ करके डालेंगे ताकि जब ऊपर वाली 6 पिच वाली कॉइल आएगी तो इस सुराख में आ जाएगी, रोड डालने में हमें परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पर पहला सिरा डाल दिया, उसके बाद इसका दूसरा सिरा यहीं से 1, 2, 3, 4 पिच पर डाल देंगे। तो दूसरा सिरा हमने डाल दिया और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। यहाँ पर हम 7 नंबर का PVC पेपर ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे हमने 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट लगाई है, लोकल ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये हमने सेटिंग कर दिया और इसको हम घुमा लेंगे। उसके बाद इसका सामने वाला जो सिरा है इसको हम घुमाएंगे और इस कॉइल को हम जो हमने अभी कॉइल डाली थी उसके बगल में डालेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर सिंगल डबल राउंड डालने वाले हैं, सिंगल डबल राउंड डाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर 180 टर्न्स डाली है, और इसका दूसरा सिरा हम यहीं से 6 पिच पर डाल देंगे। 6 पिच में हमारे 2 राउंड आएंगे, 4 पिच में हमारा 1 राउंड आएगा। अगर हम चाहें तो इसको डबल तिबल राउंड में भी बना सकते हैं, डबल तिबल राउंड में 110 टर्न्स डालेंगे 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। तो यहाँ पर हमारा पहला राउंड पड़ चुका है 6 पिच में, और दूसरा राउंड इसी के ऊपर हम डाल देंगे, और अब इसका दूसरा सिरा यहीं से 6 पिच पर जहाँ पर हमने अभी डाला था उसके अंदर भी हम डबल राउंड डाल देंगे। और ये कॉइल हमारी पड़ चुकी है, ऊपर से हम पेपर लगा देंगे, उसके बाद थोड़ी सी इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। फुल सेटिंग हम टेपिंग करते समय करेंगे और हम मोटर को घुमा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस कॉइल का पहला सिरा और दूसरा सिरा ये रहा। तो मोटर को हम किसी भी साइड घुमा सकते हैं, फिलहाल हम सामने वाली साइड को कॉइल कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं, अब यहाँ पर इस वाली कॉइल का लास्ट वाला जो सिरा है वो सामने वाली साइड है, तो अब जो हम नई कॉइल डालेंगे उसका पहला सिरा सामने वाली साइड रहेगा। लेकिन अगर पहली कॉइल का लास्ट वाला सिरा हमारी साइड होता तो फिर नई वाली कॉइल का पहला सिरा हमारी साइड रहता। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका पहला सिरा। तो अब हम फटाफट से इस वाली कॉइल को भी डाल देते हैं। ये एल्युमिनियम की बाइंडिंग है तो थोड़ा सा संभाल के डालेंगे, तार वार ना टूटे ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइल की सीरीज इस तरह से बनेगी। तो मोटर को हम घुमा लेते हैं, उसके बाद बाकी की कॉइल हम सेम उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हमने पहली कॉइल डाली है सिंगल डबल राउंड करके। तो यहाँ पर हमने 2 कॉइल डाल दी है, तीसरी कॉइल मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखा देता हूँ। तो दोनों ही सिरे हमने डाल दिए और यहाँ पर आप देखेंगे ये सीरीज हमारी कुछ इस तरह से बन करके आई है। जो हमारी दूसरी वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा है वो कुछ इस तरह से आया है। तो इस कॉइल को भी हम फटाफट से सिंगल डबल राउंड करके डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 कॉइलें डालनी है और अब हम इसकी स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो लच्छी की लेंथ रखने वाले हैं वो 10.5 इंच रखेंगे, यानी कि हम स्टार्टिंग की 1/2 इंच लच्छी छोटी कर देंगे। तो फटाफट से हम स्टार्टिंग की कॉइल्स बना लेते हैं, और यहाँ पर ये हमने 4 कॉइलें स्टार्टिंग बाइंडिंग की बना ली हैं। इसके अंदर भी हमने 180 टर्न्स डाली हैं 32 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। रनिंग में हमने 30 नंबर डाला था और स्टार्टिंग में हमने 32 नंबर डाला। टर्न्स हमने यहाँ पर सेम रखी हैं क्योंकि हम इसके अंदर राउंड सिंगल डबल डालेंगे रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लीड दिखा देता हूँ कि लीड हमने किस तरह से बनाई है। इस तरह से तार को हम लंबा करेंगे 1-2 टर्न्स के लिए, और इसको थोड़ा सा लपेटने के बाद इस तरह से इसको कट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1 या 2 टर्न्स आएंगे हमारे ऊपर से इसको डाल देंगे, और यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं, और उसके बाद कॉइल को हम बाहर को निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने कॉइल बाहर निकाल ली है। तो ये रही हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हमने रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा डाला था तो उसकी पहली लीड हमारी साइड रखी थी, स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल का पहला सिरा भी हम अपनी साइड ही रखेंगे, और ये जो कॉइल पड़ेगी हमारी यहाँ पर पड़ेगी जहाँ पर हमारी रनिंग बाइंडिंग का 4 पिच थी,
जिसके अंदर एक राउंड आया था और इसको हम पेचकस या किसी चीज से दबा लेंगे ताकि स्टार्टिंग की कॉइल आराम से आ जाए। यहाँ पर ये सिरे हमने दबा ली हैं और उसके बाद कॉइल को डालेंगे तो कॉइल का पहला सिरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा और उसके बाद इसका दूसरा सिरा यहीं से 1, 2, 3, 4 पिच पर आएगा जो कि अगली कॉइल की रनिंग की 4 पिच थी जिसके अंदर एक राउंड था। कॉइल डालने के बाद इसके अंदर हम पेपर लगा देंगे तो कॉइल हमारी पड़ चुकी है और इसको हम दूसरी साइड खींच लेंगे और थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। उसके बाद मोटर को हम घुमा लेंगे और मोटर घुमाने के बाद जिस तरह से हमने रनिंग बाइंडिंग डाली थी सिंगल डबल राउंड करके सेम उसी तरह से स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो ये वाली जो सिरा है हमारा यहाँ पर जो खाली स्लॉट पड़ी है जहाँ पर हमने अभी कॉइल डाली थी उसके बगल में इस सिरे को डालेंगे और इसका दूसरा सिरा सामने वाली स्लॉट में यानी कि 6 पिच पर डाल देंगे। चाहे तो हम एक ही बार में स्लॉट में 2 राउंड भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको सहूलियत हो वैसे ही आप डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको एक साथ 2 राउंड डाल करके दिखा रहा हूँ। जहाँ पर हमने अभी कॉइल डाली थी उसी के अंदर हम यहाँ पर दूसरा राउंड डाल रहे हैं। 4 पिच में हमने 1 राउंड डाला है और 6 पिच में हम 2 राउंड डाल रहे हैं रनिंग में भी और स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी। तो ये दोनों ही राउंड हमने डाल दी है। उसके बाद इसके दूसरे सिरे हम सामने डालेंगे, जो नीचे वाला सिरा है पहले उसको डालेंगे उसके बाद ऊपर वाला सिरा डालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो खाली स्लॉट है यानी कि 6 पिच पर हम इसका 1 राउंड डालेंगे और ऊपर से इसका दूसरा राउंड डालेंगे थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद। तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल पड़ चुकी है। उसके बाद मोटर को पलट लेते हैं। मोटर को हमने पलट लिया है और ये है स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सिरा। ये सिरा भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आएगा यानी सामने है, जो दूसरी कॉइल पड़ेगी उसका पहला सिरा सामने रहेगा। तो इसको हम डाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरह से सिरा डाला, फटाफट से हम स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की 4 कॉइलें डाल दी हैं और पीछे की टेपिंग भी हमने कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये है रनिंग बाइंडिंग की 2 लीडें और ये है स्टार्टिंग बाइंडिंग की 2 लीडें। तो इसकी जो कॉमन है वो हम अंदर से ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सेपरेटर पेपर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट, तो इसको लगाने से पहले हम स्टार्टिंग की कॉइलें थोड़ा सा अंदर को झुका लेते हैं ताकि सेपरेटर पेपर हम आराम से लगा सकें। और इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने वो 2 सेंटीमीटर रखी है। बहुत ही आराम से लगाएंगे, रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो पाए, थोड़ा सा ध्यान से लगा लेंगे। तो ये सेपरेटर पेपर हमने बढ़िया करके लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने से पहले इस बाइंडिंग को हम टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम की बाइंडिंग है तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है ये तार वार टूटने का। तो ये बाइंडिंग हमारी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे, इसकी जो कॉमन है वो हम अंदर से ही बनाने वाले हैं। तो कॉमन किस तरह से बनाएंगे, रनिंग बाइंडिंग की राइट हैंड वाली लीड और स्टार्टिंग बाइंडिंग की राइट हैंड वाली लीड, दोनों लीडों को पकड़ेंगे और इनको आपस में हम मिला देंगे। यानी जो हमने रनिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल डाली थी उसको पकड़ेंगे और स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो पहली कॉइल, उन दोनों लीडों को हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद लीडों को थोड़ा सा जला लेंगे, ये एल्युमिनियम की लीड है तो थोड़ा सा हिसाब से जलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रैच करके जला हुआ इंसुलेशन ऊपर से हटा देंगे। अब हम इन लीडों के अंदर लीड ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारी लीड है उनके अंदर हम पहले मोटी स्लिप डाल लेते हैं 3 नंबर या 4 नंबर की, और उसके बाद हम एक लीड कॉमन के अंदर ज्वाइन कर देंगे। और जो ये ज्वाइन है इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा स्लिप चढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने रनिंग और स्टार्टिंग को मिला करके कॉमन बना दिए, राइट हैंड के दोनों सिरे पकड़े हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड के 2 सिरे बचे हैं, रनिंग के और स्टार्टिंग के। अब यहाँ पर रनिंग बाइंडिंग का जो दूसरा सिरा बचा है उसके अंदर हम मेन लीड और एक कैपेसिटर वाली लीड ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर कैपेसिटर के लिए हमने ब्लैक कलर की लीड ज्वाइन की है, यानी कि कैपेसिटर की लीड अलग रहेगी और मेन सप्लाई की लीड अलग रहेगी। उसके बाद जो स्टार्टिंग का जो दूसरा सिरा है उसके अंदर हम सिर्फ कैपेसिटर की एक लीड ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्लीपर डाल करके थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने लीडों की अच्छी तरह से सेटिंग कर दी है। लाल वाली हमारी मेन लीड हो गई और ब्लैक वाली हमारी कैपेसिटर की लीड हो गई। अब हम इसकी टेपिंग कर देंगे। तो इसकी टेपिंग करने से पहले हम यहाँ पर इसके पीछे सर्जिकल टेप लगा लेते हैं ताकि हमारी टेपिंग आराम से रहे। और अगर बाई चांस अगर इसकी रोडें 1% भी टकराती हैं तो बाइंडिंग में ना लगे और बाइंडिंग भी देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये हमने टेप लगा दिया है। अब हम इसकी लीडों की सेटिंग करेंगे और लीडों की सेटिंग करते समय यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे जो इसका पीछे वाला कवर है, एक बार उसको रख करके इसके ऊपर देख लेंगे कि कौन से सुराख में कौन सी लीड आएगी, उसी जगह पर लीडें सेट कर देंगे। जो नॉर्मल वाली कूलर की मोटर होती है उसमें दोनों लीडों के बीच में 2 सुराख आते हैं, और ये जो प्लास्टिक वाले कूलर की मोटर होती है इसमें दोनों लीडों के बीच में 1 सुराख आता है। तो पहले हम इस पर कवर रख कर चेक कर लेंगे, उसके बाद इसकी हम अच्छे तरह से टेपिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टेपिंग कंप्लीट कर दी है
और टेपिंग कंप्लीट करने के बाद इसके जो पेपर है, वैसे तो हमने इसके अंदर चौकोर पेपर लगाए, फिर भी एक बार हम इसके पेपर दबा देंगे और इसकी बाइंडिंग को टेस्ट कर लेंगे। और इसकी जो लीडें हैं, चारों लीडें आपस में बोलेंगी क्योंकि हमने अंदर से ही कॉमन बनाई है और कैपेसिटर की वायर भी हमने अंदर से ही निकाली है। तो यहाँ पर मोटर हमारी बिल्कुल ओके। अब हम इसके ऊपर वार्निस डालेंगे। चाहें तो आप एल्युमिनियम की मोटर के अंदर वार्निस नहीं भी डाल सकते, लेकिन मैं एल्युमिनियम की हर मोटर के अंदर वार्निस डालता हूँ। वार्निस डालने का एडवांटेज ये है कि मोटर की लाइफ बढ़ जाती है, जो इसके वायर हैं वो आपस में सेट हो जाते हैं, मोटर चलते समय बाइंडिंग बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है। वार्निश करने से मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। और एल्युमिनियम की मोटर पर वार्निश करने का डिसएडवांटेज ये है कि अगर बाई चांस मोटर रिपेयर करनी पड़ जाती है तो एल्युमिनियम की मोटर रिपेयर नहीं हो पाती अगर मोटर के ऊपर वार्निश पड़ा हुआ होता है। ओवरऑल मोटर पर वार्निश ज़रूर करना चाहिए, चाहे एल्युमिनियम की मोटर हो चाहे फिर कॉपर की मोटर हो। कॉपर में तो ज़रूर ही करना पड़ता है, एल्युमिनियम में आप करें या ना करें, लेकिन वार्निश मैं हर मोटर के अंदर करता हूँ। यहाँ पर हमने वार्निश कंप्लीट कर दिया है, जब मोटर सूख जाएगी दूसरी साइड से भी वार्निश करेंगे। तो फ्रेंड इस डेटा के हिसाब से आप पीवीसी कूलर की मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही मोटर हीट होगी। इसको हम दो तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम सिंगल डबल राउंड भी डाल सकते हैं और डबल तिबल भी राउंड डाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिंगल डबल राउंड डाल करके दिखाए थे। अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में बनाना चाहें तो आप उसका डेटा नोट कर लीजिए। उसके अंदर हम टंस डालेंगे एल्युमिनियम से 30 नंबर से ही, रनिंग में 110 टंस डालेंगे। डबल और तिबल राउंड आएगी, पिच 4-6 रहेगी। स्टार्टिंग बाइंडिंग में हम 130 टंस डालेंगे 32 नंबर के एल्युमिनियम वायर से, और उसके अंदर सिंगल और तिबल राउंड आएंगे। और इसके अंदर जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो 4 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।